हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने एक सवाल किया है कि उन्हें आज के युग में एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, एक स्टार्टअप खड़ी करनी चाहिए, बिजनेसमैन बनना चाहिए या एक वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन में जॉब ज्वाइन कर एक्सेलेंट एम्प्लॉई बनकर स्टेबल लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। आज इस एपिसोड में हम इसी एंटरप्रेन्योर वर्सेस एम्प्लॉई के डिलेमा पर चर्चा करेंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपको क्या आगे रखेगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसे जॉब्स, बिजनेस, करियर, टेक्नोलॉजी एंड लाइफ स्किल के कंटेंट पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में भी ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपके पास पहुंचते रहेंगे। दोस्तों, हमारे और आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ साल एम्प्लॉयमेंट के बाद काफी कुछ एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है, कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ गई है, कंपनी के ग्लास सीलिंग को बार बार हिट कर रहे हैं, अपने करियर में फास्टर ग्रोथ एंड प्रमोशन की तलाश में हैं, या फिर शायद अपने काम से बोर हो गए हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट तो किया या फैमिली बिजनेस को टेक ओवर भी किया परंतु उन्हें वहां रास नहीं आ रहा है, बिजनेस अच्छा नहीं लग रहा है, बिजनेस के रोज रोज की टेंशन और भाग दौड़ उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। वो सोचते हैं कि लाइफ इज ओनली वन, वी शुड हैव अ रिलैक्स्ड एंड स्टेबल लाइफ। या कुछ लोग करियर में फ्रेश एंटर कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जॉब करूं या कोई बिजनेस आइडिया के साथ एंटरप्रेन्योर बनूं। एक तरफ तो वो 9 to 5 के बंधन में बंधना नहीं चाहते हैं और दूसरी ओर बिजनेस की अनसर्टेनिटी उन्हें पसंद नहीं आ रही है। दोस्तों, आप इस एपिसोड को अंत तक देखना। हम एक साइंटिफिक टूल यूज करेंगे और आपको अपने स्कोर से पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या अच्छा है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्यूचर में रेफर करने के लिए बेल आइकन भी दबा देना। किसी को जरूरत हो तो आप इस एपिसोड को शेयर भी कर लेना, उसका भी भला हो जाएगा। दोस्तों, इस एम्प्लॉई या एंटरप्रेन्योर के डिलेमा में बहुत सारे लोग फंस गए हैं। कुछ को स्टेटस को पसंद नहीं है और कुछ के लिए ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड, यानी जिस चीज का उन्होंने अनुभव नहीं किया है वो ज्यादा अच्छा लगता है। परंतु एक वाइड स्पेक्ट्रम के लोगों के बारे में ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च से पता चला है कि सक्सेस एंड हैप्पीनेस और फेलियर एंड डिसअपॉइंटमेंट दोनों ही करियर में है। यह उस व्यक्ति के माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि उसके लिए सुटेबल क्या है, उसे हैप्पीनेस किस चीज में मिलने वाली है। दोस्तों, काफी रिसर्च करने के बाद हमने आपके लिए 10 सवाल लाए जो आपको अपने आप से पूछना है और खुद को उसका आंसर ईमानदारी से देना है और उस आंसर के बाद आपका स्कोर बनता है और आप उससे डिसाइड करेंगे कि आपके नेचर और पर्सनालिटी के हिसाब से कौन सा करियर आपके लिए सुटेबल है। तो क्या आप इस 10 सवाल के लिए तैयार हैं? संभव हो तो आप एक पेन एंड पेपर लेकर बैठ सकते हैं और अपने आंसर पेपर पर रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि आप बाद में उस पर आए स्कोर को इवैल्यूएट कर सकें। घबराने की जरूरत नहीं है या कोई परीक्षा नहीं है, यह सिर्फ आपके माइंडसेट को ऑब्जेक्टिवली आपको खुद समझने का प्रयास है। और हाँ, यदि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे कांटेक्ट डिटेल्स भी मांग सकते हैं, फिर आप और हम दोनों मिलकर आपके करियर को चार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने 2 स्टेटमेंट रखूंगा जो आपके सामने स्क्रीन पर भी आएगा, परंतु आपको 2 में से एक ही स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। एक होगा ए और दूसरा होगा बी। आपको अपने लिए आइदर ए को सिलेक्ट करना है या बी को, दोनों को नहीं। दोनों में से कोई भी सिलेक्शन गलत नहीं है और उसी तरह कोई भी सिलेक्शन सही भी नहीं है। ये सिर्फ आपका चॉइस है, आपकी पसंद है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका टेंशन सवाल पर होना चाहिए।
So let's start. First statement, 1A. I love to work in chaos. मुझे उथल पुथल में काम करना पसंद है. 1B. I like to work in a well laid out system and procedure. मैं एक बने बनाए सिस्टम एंड प्रोसीजर से काम करना चाहता हूं. 2A. I can work 24/7. मैं 24 घंटे सातों दिन काम कर सकता हूं. 2B. I like a 9-to-5 job. मुझे 9-to-5 काम करना पसंद है. 3A. Work-life balance. What is this? Work-life balance. ये क्या होता है? 3B. I need a decent work-life balance. मुझे एक व्यवस्थित work-life balance चाहिए. 4A. I'm a work alcoholic. मुझे काम करने का नशा है. 4B. There are other important things also in life than just work. जिंदगी में काम के अलावा भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. 5A. I want exponential growth. मुझे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की चाहिए. 5B. There should be incremental growth in career. करियर में थोड़े थोड़े ग्रोथ होते रहने चाहिए. 6A. I will love working in a startup. मुझे स्टार्टअप में काम करने में मजा आता है. 6B. I love working in a large multinational company. मुझे एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने में अच्छा लगता है. 7A. I want to implement path breaking ideas. मैं लीक से हटकर आइडियाज पर काम करना चाहता हूं. 7B. I want to systematically execute large projects. मैं systematically बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहता हूं. 8A. I want fast decisions, even if it may go wrong in future. मुझे जल्दी डिसीजन चाहिए, भले वो आगे चलकर गलत भी हो जाए. 8B. I want to make a flawless decision. मैं बिना किसी गलती के परफेक्ट डिसीजन लेना चाहता हूं. 9A. I want to make big money fast. मुझे फटाफट बड़े पैसे बनाने हैं. 9B. There should be a consistent flow of money. जिंदगी में पैसे लगातार आते रहना चाहिए. Last, 10A. I want a roller coaster ride. मुझे roller coaster ride पसंद है. 10B. I will love to swim in a lake. मुझे शांत झील में तैरना पसंद है. तो दोस्तों, ये थे 10 सवाल और आई होप कि आपने इन 10 सवालों के अपने अपने सिलेक्शंस ए या बी कर लिए हैं. तो अब आप चेक करिए कि आपके सिलेक्शन में कितने ए हैं और कितने बी हैं. दोस्तों, अगर आपके सिलेक्शन में 7 से ज्यादा ए हैं, तो आपकी माइंडसेट एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है. और उसी तरह आपके सिलेक्शन में अगर 7 से ज्यादा बी है, तो आपका एम्प्लॉई का माइंडसेट है. दोस्तों, एक बात मैं आपके कॉशन के लिए कह देता हूं, यह एक हार्ड एंड कास्ट इन स्टोन डिसीजन नहीं है, बल्कि एक इंडिकेटिव टूल है. कई बार यह आपके उस दिन के मूड पर भी डिपेंड करता है कि आपके स्कोर क्या आए हैं, किस साइड आए हैं. दोस्तों, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट एक हॉर्स के माइंडसेट की तरह होता है, जो पावरफुल होना चाहता है, रेस में तेज भागना चाहता है और सबसे आगे रहना चाहता है. और एम्प्लॉई माइंडसेट एक एलिफेंट का माइंडसेट है, स्ट्रॉन्ग, ग्रेसफुल, कंसिस्टेंट और कमिटेड होता है. दोनों ही के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. दोस्तों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई होने के बाद भी एक बड़े एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन हो सकते हैं, जैसे कि गूगल के सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला एम्प्लॉई होने के बाद भी बड़े सीईओ और बिजनेसमैन हैं. उसी प्रकार नारायण मूर्ति, मुकेश अंबानी ने
बड़े एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन होते हुए अपने अपने कंपनी को एक एम्प्लॉय की तरह डेफिनेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नर्चर और ग्रो किया है। आप अगर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के हैं तो आप एम्प्लॉय होने के बावजूद अपने कंपनी, डिपार्टमेंट या टीम में ग्रोथ के लिए नए और रिस्की एक्सपेरिमेंट एंड वेंचर इंप्लीमेंट करते रहेंगे। और अगर आप एम्प्लॉय माइंडसेट के हैं तो आप एंटरप्रेन्योर होके भी सारे काम एक सिस्टम और प्रोसीजर के द्वारा एक टीम वर्क के साथ ही चलाएंगे। हर व्यक्ति को कभी एंटरप्रेन्योर और कभी एम्प्लॉय बनना पड़ता है। सिर्फ फर्क है तो आपके माइंडसेट का और आपकी पर्सनालिटी क्या है यह जानने और समझने का, और वही आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया और आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग बिजनेस एंड करियर के कंटेंट देखना चाहते हैं, आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा अगला एपिसोड जैसे ही रिलीज होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगले एपिसोड तक के लिए जय हिंद, जय भारत।